हेलो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं कटिंग कर रही हूँ पेटीकोट, 6 कली का पेटीकोट। तो ये है 2 मीटर कपड़ा, ये 2 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने फोल्ड कर दिया। और इसमें यहाँ से ये 1.5 इंच का निशान लगा के इसको कट कर देंगे। ये नीचे फ्रिल लगाएंगे, ये पहले सबसे पहले यही कट करेंगे दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी 1.5 का निशान लगा के 1.5 इंच का। आप चाहे तो 1 इंच का भी लगा सकते हैं, जितनी आपको बड़ी या छोटी फ्रिल लगानी है, उतना ही। तो मैं निशान लगाती हूँ, फिर मैं इसको कट करती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है, अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने वो कपड़ा कट कर लिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये रहा, ये कट कर लिया है। अब ये अभी मैंने डबल फोल्ड कर रखा है, इसकी लगाएंगे चार चार तह लगाएंगे, 4 बार फोल्ड करेंगे इसको। तो मैं 2 पेटीकोट इकट्ठे काट रही हूँ, तो मैंने इसको ज़्यादा फोल्ड कर रखा है, लेकिन 1 पेटीकोट निकालने के लिए 4 तह निकालेंगे 6 कली कटिंग करने के लिए। तो देखिए 4 फोल्ड करके मैंने कपड़े को बिछा दिया है, 4 तह लगा ली हैं और इसको ऐसे लंबाई में बिछा देंगे। और सबसे पहले लेंगे पेटीकोट की लंबाई, पेटीकोट की लंबाई का निशान मैंने लगा दिया है। पेटीकोट की लंबाई में से आपको फ्रिल लगा रहे हो तो फ्रिल भी माइनस करनी है और बेल्ट भी माइनस करनी है। जितना माइनस करके आएगा फ्रिल और बेल्ट माइनस करके, जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी लंबाई पर आप पहले निशान लगा दीजिए। तो मैंने ये लगा दिया है निशान, इसमें से मैंने फ्रिल भी माइनस करी है और ऊपर जो बेल्ट लगेगी वो भी माइनस करी है। तो मैंने निशान लगा दिया। अब लगाएंगे इसमें कमर का निशान, इधर से भी और इधर से भी। तो कमर का निशान आप जितना आपका कमर तैयार चाहिए उतना नहीं, उससे एक्स्ट्रा। तो मेरे को तैयार चाहिए 38 और मैं लगाऊंगी 44, 44 कमर का निशान लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई वगैरह में भी दबेगा कपड़ा, तो इसलिए 44 का लगाऊंगी। तो 44 से मैंने भाग, 44 6 से 44 को भाग करेंगे, जो जितना आएगा उतना ही निशान लगाएंगे। तो मेरा आ रहा है 7 साढ़े 7 के करीब आ रहा है। तो मैं ये बंद खुली साइड से यहाँ से लगाऊंगी 7.5, और ये बंद साइड है तो यहाँ से लगाऊंगी 7। तो मैं लगा के अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए निशान मैंने लगा लिए हैं और ये मैंने लाइन भी खींच ली है। और ये जो होगा ये बेल्ट, बेल्ट के लिए होगा, ये बेल्ट जुड़ेगी ऊपर। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये वाला निशान कट करेंगे ना, ये वाला सीधा ऐसे करके कट करेंगे। तो ये देखिए कट मैंने कर दिया है, कटिंग कर ली है। तो ये देखिए इसने जो खुली साइड थी उसमें 4 पीस आएंगे, 1 2 3 और 1 4, 4 पीस इस साइड आएंगे। और ये है बंद साइड, तो इसमें आएंगे 2 ही पीस, इसमें 2 पीस आएंगे जो कि बीच में लगेगा। ये देखिए 2 पीस। तो ये थोड़ा जो वन साइड का होता है, फोल्ड साइड का, वो बड़ा होता है, और ये दो, ये 4 पीस छोटे होते हैं। तो ये हो गया 6 कली का पेटीकोट। तो इसको पलट के ऐसे जुड़ेगा। देखिए ये जो बड़ा पीस है इसके दो इस साइड, एक इस साइड जुड़ेगा एक उस साइड जुड़ेगा, दोनों पीसों में एक एक जुड़ेगा। ये छोटा पीस एक तो इस साइड जुड़ेगा और एक इस साइड जुड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ मशीन में सिल के। देखिए तो मैंने जोड़ लिया है, बीच वाला बड़ा वाला पल्ला बीच में रखा है और दोनों साइड छोटे पल्ले जोड़ दिए हैं। तो एक साइड का तो ये जुड़ गया, मैं दूसरी साइड का भी जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे पल्ले जुड़ गए हैं, सारे 6 के 6 पल्ले जुड़ गए हैं। इस साइड से मैंने ये नाड़ा डालने के लिए भी बनाया है, यहाँ ऊपर बेल्ट जुड़ेगी। फिर ये मैंने इतना करके और फिर फोल्ड कर दिया इसको, इधर से फोल्ड कर दिया है और इसको भी सिल दिया है, दोनों पल्ले भी जुड़ गए हैं ये। और इस साइड से मैंने ये ओपन रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं नीचे की साइड पहले फ्रिल लगाऊंगी,
यहाँ पे पहले मैं फ्रिल लगाऊंगी, उसके बाद ये वाला पल्ला ज्वाइंट करूँगी। पहले फ्रिल लगा लूँगी यहाँ पे, उसके बाद ये पल्ला ज्वाइंट करेंगे, उस साइड की सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी फ्रिल लगा के। 1.5 इंच की पट्टी हमने कट की थी, उसी की फ्रिल लगाएंगे। तो ये है वो पट्टी, अब इसकी मैं फ्रिल लगाऊंगी यहाँ नीचे की साइड, ऐसे चुन्नट डाल के। ये देखिए, ऐसे चुन्नट डाल डाल के मैं फ्रिल लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे लगाएंगे। रोशनी बहुत ज़्यादा बाहर से आ रही है, तो कलर ही चेंज हो जा रहा है लाल कलर का। तो ये देखिए, फ्रिल मैंने लगा दी है। अब इसको ऐसे पलट के इसमें इसमें पेटीकोट के कपड़े में टॉप स्टिच लगाएंगे, इसका मार्जिन ऊपर को करेंगे और ऐसे करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, फ्रिल मेरी लग गई है और इसमें टॉप सिलाई भी मैंने लगा दी है। तो अब ये वाला अब इस साइड की सिलाई लगाएंगे उस वाले पल्ले को जोड़ के। अब इधर से ये वाली सिलाई भी लगाएंगे, इसको भी जोड़ देंगे पूरा। उसके बाद मेरी कमर थोड़ा बड़ी कट गई है, तो इसमें मैं वो चुन्नट डाल दूंगी दोनों साइड, इस साइड भी और दूसरी साइड भी, और फिर उसके बाद इसमें कमर में बेल्ट लगेगी। देखिए, गोलाई में मैंने पूरी पेटीकोट को सिलाई लगा दी है, और ऊपर से भी मैंने ये प्लेट डाल दी है दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड जितना मुझे कमर चाहिए उतना मैंने तैयार कर दिया है। तो ये देखिए, और ये बेल्ट मैंने कट कर दी है, कमर से थोड़ा सा बड़ी करी है बेल्ट को कट। और अब इसको ऐसे करके दो फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से, और फिर यहाँ से अटैच करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको तैयार करके। तो ये देखिए, फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है, और अब ये वाला पेटीकोट इसको उल्टा रखेंगे और इसके साथ इसको ऐसे सिलाई करेंगे। एक हाथ से कैमरा फोन पकड़ना और एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखिए, ऐसे करके इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, एक साइड से तो जुड़ गई है बेल्ट पूरी गोलाई में। अब इसको इधर से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर मार्जिन अंदर को करके ऐसे करके इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह इसमें आप सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, लग चुकी है मेरी बेल्ट भी। ये देखिए, बेल्ट में मैंने दो सिलाई लगाई हैं, एक ये और एक ये वाली, दो सिलाइयाँ लगाई हैं। तो ये मेरी बेल्ट भी फिनिश हो चुकी है। तो मेरा पेटीकोट बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, 6 कली का फ्रिल वाला पेटीकोट बन के तैयार हो गया है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।